अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लुटियंस जोन राजधानी दिल्ली का हाई प्रोफाइल इलाका। यहां 23 मदर टेरेसा क्रिसेंट स्थित कांग्रेस नेता अहमद पटेल के आवास से शुक्रवार को बाहर निकलते हैं मनोज पनारा। बता दें कि मनोज का ताल्लुक पाटीदार अनामत आंदोलन समिति पास से है। वे हार्दिक पटेल के दूतों के तौर पर PASS के उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं जो कांग्रेस से निर्णायक बातचीत करने के लिए दिल्ली पहुंचा है। कांग्रेस के साथ बैठक से पहले ये प्रतिनिधिमंडल अहमद पटेल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। अहमद पटेल के घर से निकलते ही पास प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को मीडिया ने घेर लिया। ऐसे में मनोज के पैरों पर इस रिपोर्टर की नजर पड़ी तो चौंकने वाली बात थी। सफेद कमीज और नीली जीन्स पहने मनोज खुरदुरी सड़क पर नंगे पैर ही खड़े थे। उन्हें देखकर यही ध्यान आया कि शायद उन्होंने ये संकल्प लिया हो कि पाटीदार समुदाय को जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक वे पैर में जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। लेकिन जब मनोज से कहा गया कि सर जूते तो पहन लीजिए, तो मनोज मुस्कुरा कर बोले, जूते तो मैंने पिछले 6 साल से नहीं पहने। मनोज का ये जवाब सुनकर जानने की उत्सुकता और बढ़ गई कि उनके जूते चप्पल नहीं पहनने का आखिर राज क्या है। आखिर कैसे एक नेता अहमदाबाद से दिल्ली नंगे पैर कैसे आ गया? वो नेता जिसकी कमीज से सफेदी की झंकार झलक रही थी, जींस भी मॉडर्न आउटलुक की गवाही दे रही थी, मनोज ने आखिर खुद ही नंगे पैर रहने के राज से पर्दा हटाया। मनोज के मुताबिक वे गौसेवक हैं और उन्होंने 7 साल तक नंगे पैर रहकर गौसेवा करने का प्रण ले रखा है। मनोज ने कहा, भगवान कृष्ण ने भी 7 साल तक नंगे पैर रहकर गौ माताओं की सेवा की थी, उन्हीं से मुझे भी ऐसा करने की प्रेरणा मिली। पेशे से किसान मनोज मोरबी के रहने वाले हैं। अपने गांव में उन्होंने एक गौशाला बनवाई है जिसमें अभी लगभग 200 गिर गाय हैं। मनोज के मुताबिक तन मन धन जहां तक उनसे संभव होता है वे गायों की सेवा करते हैं। कथित गौसेवकों के नाम पर गलत हरकतें करने वाले तत्वों के बारे में मनोज की यही राय थी कि सच्चे मन से गौसेवा करने और इसके नाम पर राजनीति करने में बहुत फर्क होता है। मनोज ये भी कहते हैं कि गौसेवक होने का किसी के पास पेटेंट नहीं है। इसी तरह भगवान राम और कृष्ण में कोई भी सच्चे मन से श्रद्धा रखने वाला हो सकता है। आज के दौर की राजनीति में जहां ब्रांडेड कपड़ों, 5 सितारा रहन सहन और हाईफाई कम्युनिकेशन का बोलबाला दिखता है, वहां मनोज पनारा का कुछ हटकर ये संकल्प खुद ही अपनी ओर ध्यान खींचता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।